दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस और लॉकअप की कंटेस्टेंट पायल रोहतगी से। पायल रोहतगी को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो ढोल फिल्म में नजर आ चुकी है। इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको पायल रोहतगी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पायल का रियल नेम पायल रोहतगी है और निक नेम पायल है, और पायल का जन्म 9 नवंबर 1984 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ और 2021 के हिसाब से 37 साल की है। पायल रोहतगी प्रोफेशन से एक मॉडल और एक्ट्रेस है। पायल ने स्कूल की पढ़ाई उद्गम स्कूल अहमदाबाद से की, जिसके बाद इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद से की और यहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी। अब बात करते हैं पायल रोहतगी के करियर के बारे में। पायल ने अपने करियर की शुरुआत एज अ मॉडल की और फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट लिया, जिसका हिस्सा लारा दत्ता, दिया मिर्जा और प्रियंका चोपड़ा भी थी। और फिर बाद में पायल ने मिस इंडिया टूरिज्म को रिप्रेजेंट किया और सुपर मॉडल मिस टूरिज्म वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम किया, और मॉडल के तौर पर पॉपुलर ब्रांड जैसे कि अमूल, निरमा, नेस्कैफे और डाबर हेयर ऑयल में काम किया, और कैडबरी चॉकलेट के एडवर्टीजमेंट से इनको काफी पहचान मिली, और म्यूजिक बैंड सिल्क रूट के साथ काफी म्यूजिक वीडियो में दिखी, और 2002 में फिल्म डेब्यू किया बॉलीवुड फिल्म ये क्या हो रहा है से। लेकिन ये फिल्म आते ही फ्लॉप हो गई, और फिर 2006 में पायल ने बॉलीवुड फिल्म 36 चाइना टाउन में काम किया, और इसी साल पायल को फिल्म कॉर्पोरेट में आइटम सॉन्ग ऑफर हुआ जो कि इन्होंने करा, और 2007 में पायल ने फियर फैक्टर इंडिया 2 में पार्टिसिपेट लिया और फोर्थ प्लेस पर अपनी जगह बनाई, जिसके बाद 2008 में पायल बिग बॉस 2 का हिस्सा बनी, और 2008 में ही पायल फिल्म दिल कबड्डी में नजर आई। दोस्तों पायल ने रक्त प्लान, तौबा तौबा, ढोल और वैलेंटाइंस नाइट जैसे फिल्म में काम भी किया है, और 2009 में राज पिछले जन्म का और 2010 में मीठी छुरी नंबर 1 में पार्टिसिपेट लिया, और साथ ही साथ 2011 में जोर का झटका टोटल वाइप आउट 1 और 2012 में सर्वाइवर इंडिया 1 का हिस्सा बनी, और फिर 2013 में हमने ली है शपथ में काम किया, और इसी साल वेलकम बाजी मेहमान नवाजी सीजन 1 में पार्टिसिपेट लिया और विनर बनी, और 2014 से लेकर 2015 तक पायल ने सीरियल हम सफर में काम किया, जिसमें इन्होंने अनम का नेगेटिव रोल प्ले किया, और साथ ही साथ नच बलिए 7 में पार्टिसिपेट लिया, और 2016 में सीरियल सूर्या पत्रकन में नजर आई। दोस्तों पायल कई कंट्रोवर्सी को लेकर फंसी भी है और जेल भी जा चुकी है, इसी वजह से इनको 2022 में लॉकअप का हिस्सा बनाया गया है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना पायल रोहतगी आपको कैसी लगती है। चलिए मिलवाते हैं आपको पायल की फैमिली से। तो दोस्तों इनके पिता का नाम है शानशंक रोहतगी जो कि एक इंजीनियर है, और इनकी माँ का नाम है वीना रोहतगी जो कि एक टीचर है, और इनका एक भाई भी है जिनका नाम है गौरव रोहतगी और ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। बात करें इनके हस्बैंड के बारे में, तो दोस्तों इनके हस्बैंड का नाम संग्राम सिंह है जो कि एक रेसलर है। अब बात करते हैं पायल रोहतगी के हाउस के बारे में। तो दोस्तों पायल रोहतगी अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं। वहीं बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज सी क्लास है, और इसके अलावा इनके पास BMW की भी कार है। वहीं बात करें पायल के इनकम के बारे में, तो दोस्तों ये एक एपिसोड में काम करने के लिए 102 लाख रुपए चार्ज करती है, और वहीं फिल्म में काम करने के लिए 30 से 40 लाख रुपए चार्ज करती हैं। अब बात करते हैं पायल रोहतगी के नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों इनका टोटल नेटवर्थ है 20 करोड़ रुपए। तो ये था पायल रोहतगी की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।